यार जब हम लोग फैमिली जनरेशन की बात करते हैं ना तो क्या होता है, देखिए पहले दादाजी दादीजी वाली जनरेशन, फिर पापा मम्मी वाली जनरेशन, फिर अपनी जनरेशन यानी कि बेटा बेटी वाली जनरेशन। तो देखो किस तरीके से ये हायरार्की फैमिली ट्री वर्कआउट होती है, दादाजी दादीजी, फिर मम्मी पापा और उसके बाद अपन। अब बोलोगे सर क्या चल क्या रहा है, हम लोग सीखने वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन वो भी कंपोजिट फंक्शंस, और आप हमें ये जो फैमिली जनरेशन का ट्री बता रहे हो ये कहाँ से किस तरीके से कोरिलेट करता है। हाय दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों इंडिया की बिगेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज शुरू है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। दोस्तों मैं जो भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे जितने भी सारे सम सॉल्व करके लेता हूँ उसकी एक पीडीएफ जनरेट होती है, तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए रेफर करने के लिए तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी है, आपको बस वो फॉर्म फिलअप करना है, आपको वो लिंक मिल जाएगी। फिर आप तरीके से हर एक सम को किस तरीके से टैकल किया है वो जरूर देख सकते हो और कॉन्सेप्ट भी समझ में आपके आ सकते हैं। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेस, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ वन टू वन टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आर ऐप नाउ। तो चलिए देखते क्या करना है आपको बेसिकली कंपोजिट फंक्शन में। तो एक छोटी सी बात जो आपको यहां पे याद रखनी है वो ये है कि भाई कंपोजिट फंक्शन जो है वहां पे होंगे कंपोजिशंस, यानी कि कहीं ना कहीं होंगे दादाजी, फिर हम लोग पापा मम्मी पे आएंगे और उसके बाद आएंगे बेटों पे। तो ये कॉम्बिनेशन वर्कआउट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। इफ आई हैव जेड जो कि फंक्शन है लेट्स से यू और वी का, एंड आई हैव यू एंड वी जो कि फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के, तो मुझे क्या करना होगा ये पहले हम लोग देखते हैं। देखो अगर मुझे इसको सिखाना है तो हम लोगों को एग्जाम में जो है वो क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए, डेबा जेड बाय डेबा एक्स आना चाहिए और डेबा जेड बाय डेबा वाई को फाइंड आउट करते आना चाहिए। अब ये एनोलॉजी याद कैसे रखे तो मैं बताता हूँ। कंसिडर दिस, ये जो आपको दिखाई देते हैं ना उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये है दादाजी, है ना, इनको कंसिडर करते हैं, ये है मम्मी, राइट, यहाँ पे है लेट्स से पापा, राइट, और दिस इज पोता पोती, यानी कि हम लोग अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो या फिर पोता पोती भी चल जाएगा। हाँ तो दिस इज हम लोग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हम लोग। अब देखो हमें क्या पूछा है, दादाजी जो है दादाजी के बाद की जनरेशन में कौन आता है, मम्मी पापा, और मम्मी पापा की जनरेशन के बाद जो आते हैं वो हम लोग आते हैं। अब हम लोगों में और दादाजी में वैसे तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ही है, बट पूछा क्या है हम लोगों को, दादाजी वर्सेस अपन ऐसे रिलेशनशिप पूछी, यानी कि डेबा जेड बाय डेबा एक्स और डेबा जेड बाय डेबा वाई फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बल्कि ये पापा मम्मी थ्रू आना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे रट्टा मारते मैं आपको बताता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट, फॉर्मूला की ट्रिक, ये डेबा जेड डेबा एक्स ऐसे लिखो, वापस यहाँ पे डेबा जेड डेबा एक्स ऐसे लिखो, लिखा आपने, देखो कैसे क्रॉस में मैंने लिखा हुआ है सबसे पहली चीज। अब जो है ना, अब आपको डिवाइड बाय की साइन देनी है, जैसे आपने साइन दी यहाँ पे लिखो पहले सारी मम्मा लोगों को, तो यहाँ पे डेबा यू हो गया, और यहाँ पे बचे हुई जगह पे क्या करो पापा लोगों को लिखो, तो डेबा वी हो गया, और मेरे दोस्त आपको आपका फॉर्मूला मिल गया। रुको, अब आप मुझे डेबा जेड बाय डेबा वाई के बारे में बता सकते हो, कैसे बोला था सर ने, देखो बताओ दो, डेबा जेड डेबा वाई करेक्ट है। अब यहाँ पे सर ने बोला था कि यहाँ पे मम्मी लोगों को बिठाओ, तो बिठाया मम्मी को, और यहाँ पे बिठाओ पापा लोग को, तो यहाँ पे मैंने बिठाया पापा लोग को, और फॉर्मूला रेडी हो गया दोस्त। तो देखो कुछ इस तरीके से हम लोग इस एनालॉजी को वर्कआउट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे नहीं नहीं सर, ये पापा मम्मी के साथ अगर एक और मेंबर रहा लेट से मासी जी, तो हम लोग इसको किस तरीके से वर्कआउट करें, तो ये भी आपको बता देता हूँ। अरे बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, जेड है उसके बाद लेट से यू वी डब्ल्यू है, एंड लेट्स से यहाँ पे आर एस और क्या करते हैं अपन टी करते हैं, राइट। तो अब देखो इस रिलेशनशिप में आपको पता पड़ रहा है कि यहाँ पे भी दादाजी पापा मम्मी और लेट्स से मासी जी और साथ में यहाँ पे आर एस टी में हम लोग हैं। तो इस केस में हमें क्या क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए, जैसे कि डेबा जेड बाय डेबा आर पूछा है, या फिर डेबा जेड बाय डेबा एस पूछा है, या फिर डेबा जेड बाय डेबा
टी पूछा है, कुछ नहीं है भाई, तीन तीन अगर फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन में डेबा जेड डेबा आर डेबा जेड डेबा आर डेबा जेड डेबा आर आपको लिखना है। तो आपको थीम तो क्लियरली पता चलिए कि सर किस तरीके से वर्कआउट कर रहे, क्लियर है। अब यहाँ पे पहले मम्मी को आने दो डेबा यू, फिर यहाँ पे पापा को आने दो डेबा वी, और यहाँ पे आने दो मासी जी को डेबा डब्ल्यू। इट इज एज सिंपल एज दैट भाई, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, रट्टा तो मारो ही मत यार। अब आप ये बताना मुझे डेबा जेड बाय डेबा एस, कम ऑन, डेबा जेड डेबा एस सर ने बोला है, डेबा जेड डेबा एस सर ने बोला है, डेबा जेड डेबा एस सर ने बोला है, तो सब कुछ तो मैंने बोला है आप वैसे ही कर रहे हो। सिमिलरली डेबा जेड डेबा टी डेबा जेड डेबा टी डेबा जेड डेबा टी, तो लॉजिकली सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। अब बस यहाँ पे आपको पुटअप करना है, यहाँ पे आने दो मम्मी जी को, यहाँ पे आने दो पापा जी को, और यहाँ पे आने दो मासी जी को। तो सेम एनोलॉजी में वर्क कर रहा हूँ सब जगह पे, एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ एनोलॉजी के वाइज भी फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद रहे। अब ये भी हो गया, सर सर नहीं ऐसे नहीं होता, एक और रिलेशनशिप बताओ ना हमें, तो मैं बताता हूँ एक और टाइप का समय जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो वो मैं बताता हूँ कि लेट्स से कि जेड जो है वो फंक्शन ऑफ सिर्फ आर है, और ये जो R है ये यहाँ पे है U, V और W का फंक्शन, राइट। तो अब ऐसे रिलेशनशिप को किस तरीके से वर्कआउट करोगे, तो देखो एनालॉजी कैसे वर्कआउट होगी। यहाँ पे Z जो है वो बस एक ही फंक्शन से बना हुआ है, दैट इज नथिंग बट आर, यहाँ पे ऐसा नहीं था, दो या तीन थे। तो इस केस में देखो आपको जो फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि अगर मुझे डेबा जेड बाय डेबा यू पूछा हुआ है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, आप पूरा वाला डेरिवेटिव लेना, फुल वाला डेरिवेटिव लेना डी जेड बाय डी आर, चेक दिस आउट, पहले फुल डेरिवेटिव डी जेड बाय डी आर, बिकॉज इनमें का इन दोनों में से डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों को पता पड़ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए डेबा आर बाय डेबा यू, यहाँ पे आना चाहिए डेबा आर बाय डेबा यू। अच्छे से समझ लो, आप मुझे बता दो आगे के सारे मेंबर्स बताओगे, डेबा जेड बाय डेबा वी और डेबा जेड बाय डेबा डब्ल्यू बता दो। चलो फटाफट फटाफट, सर ने बोला है डी जेड बाय डी आर करो, कर लिया, सर ने बोला है डी जेड बाय डी आर करो, कर लिया, तो यहाँ पे आता है आपका डेबा आर बाय डेबा वी, और यहाँ पे आएगा डेबा आर बाय डेबा डब्ल्यू। देखो कितना ईजी है भाई, देखो आपको अगर मुझे बधाइया देनी है तो आप मुझे बाद में बधाइया देना, सबसे पहले तो आपके पास जो नोटबुक होगी वहां पे फटाफट फटाफट जैसे मैंने लिखा हुआ है कंपोजिट फंक्शन का टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री करके आप इसको याद रखो, आप याद रखो ही रखो, क्योंकि मैं इमीडिएटली अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जा रहा हूं। मीनवाइल कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज लगेंगे, एज यूजुअल यू नो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, अगर डेरिवेटिव के फॉर्मुले नहीं देखे तो वीडियो है, अवेलेबल है, फ्री है, देख लेना एक बार। और शुरू करते हैं अब न्यूमेरिकल्स के साथ, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, क्लियरली लिखा हुआ है जेड इज equal to function of uv लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, so z जो है वो अभी function of uv है, u जो बना हुआ है वो बना हुआ है x और y से, v जो बना हुआ है वो भी xy के एलिमेंट से बना हुआ है, यानी कि सिर्फ y दिया हुआ है, then show that करके कुछ बोला हुआ है। मैं आपको बताऊं जब ऐसे sums आते तो आपने किस तरीके से इसको लिखना है, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे। रुको, कैसे शुरू करते हैं, कुछ भी, ये show that पे देखो ही मत अभी, आप पहले लिखो दादाजी को z, पापा मम्मी को लिखो, कौन है पापा मम्मी यू वी, और बने किससे, अपन लोग से, यानी कि कौन है एक्स और वाई से। तो देखो फंक्शनैलिटी समझ में आई आपको, ये जैसे ही पता चलता है आपने दो लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग हमेशा काम करते हैं, जो कि हम लोगों को हमेशा फाइंड आउट करने होते हैं। सो अब डायरेक्टली मैं शुरू कर रहा हूँ, सो डेबा जेड बाय डेबा एक्स हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बताओगे डेबा जेड बाय डेबा एक्स का फॉर्मूला, डेबा जेड डेबा एक्स डेबा जेड डेबा एक्स, ऐसे ही सिखाया था ना आपके सर ने, यहाँ पे आएगी मम्मी तो मम्मी को बिठाए, यहाँ पे आएंगे पापा तो यहाँ पे पापा को बिठाए, राइट। अब आया ही है तो क्यों ना इसको सॉल्व भी करें, आप हेल्प करोगे मुझे, ये डेबा जेड बाय डेबा यू को एज इट इज रखता हूँ, मुझे बता दो यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, पहला समय तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ यू लिख देता हूँ। यू कौन है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है, हम लोग नहीं डरते, आप टेंशन मत लो, और मैं हूँ ना डेबा वी, और यहाँ पे आएगा डेबा बाय यहाँ पे आएगा डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ कौन होना चाहिए वी, वी की वैल्यू क्या है वाई, सो जो दिया है वो चुपचाप मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने लिख दिया मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखना चाहिए था बता दो, डेबा जेड बाय डेबा यू तो आना ही चाहिए था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो दिस विल बी टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस टू आए, और यहाँ पे क्लियरली आएगा जीरो, और तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई एक्स की टर्म ना होने की वजह से क्लियरली क्या हो गया मेरे दोस्त, क्लियरली यहाँ पे जीरो आ गया, तो बच्चा ही क्या, जो बचा वो लिख दो, टू को बाहर लो, यू कैन राइट दिस एज टू बी एक्स माइनस वाई, और साथ में डेबा जेड बाय डेबा यू को लिख सकते हो। ये आपका आंसर आया किसका,
डाबा जेड बाय डाबा एक्स का, मैं आपको वापस वापस बता रहा हूँ, आपको शो दैट को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस एक काम अच्छे से करो कि आपको जैसे ही ये रिलेशनशिप मिल जाए आप फटाफट दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बताया वो निकालना, पहला तो हो गया राइट right? अब बता दो दूसरा मेंबर कौन होता है जो हम लोग फाइंड करते हैं, तो बता दो अब इसके साथ दूसरा जो मेंबर आएगा वो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो, हेल्प तो आप कर ही रहे हो, डैबा जेड बाय डैबा कौन होगा अभी वाई होगा ना, फॉर्मूला बता दो क्या सिखाया था सर ने, डैबा जेड डैबा वाई, डैबा जेड डैबा वाई लिख दिए। अब यहाँ पे होंगे पहले तो डैबा यू मम्मी लोग और यहाँ पे होंगे पापा लोग, उनको लिख दिए। अब बता दो फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाई करता हूँ, डैबा जेड बाय डैबा वाई इज इक्वल टू डैबा जेड बाय डैबा यू एज इट इज, डैबा बाय डैबा वाई ऑफ यू का रिलेशनशिप दिया हुआ है मुझे, तो जो दिया है वो उठाया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस y स्क्वायर। नेक्स्ट सम से मैं ना ये रिलेशनशिप ना डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ, तो बी रेडी विद दिस, जो भी आपके सामने आएगा आपको काम करना होगा उसके ऊपर। ये मैंने लिख दिया, अब मैंने जो भी वैल्यूएशन आई है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, डैबा जेड बाय डैबा यू बताओ विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस टू वाई, और ये आएगा आपका डैबा जेड बाय डैबा वी के साथ ये आएगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कितना आता है वन। अब बता दो सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस टू को कॉमन लो एक्स प्लस वाई आना चाहिए, साथ में आएगी टर्म डैबा जेड बाय डैबा यू और यहाँ पे सिर्फ डैबा जेड बाय डैबा वी नामक टर्म आएगी जो कि आपका डैबा जेड बाय डैबा वाई का फाइनल आंसर रहेगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं बॉक्स कर देते हैं। अब जबकि बॉक्स कर ही दिया है तो मैं काम करता हूँ, इसको इक्वेशन वन कर देता हूँ और इसको इक्वेशन टू कर देता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड एज गिवन, तो मुझे बता दो हम लोगों को अब जो प्रूफ करना है उसको मैदान में लेके आओ, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो एल एच एस इज इक्वल टू, पहले जैसा है वैसे एल एच एस लिख लेते, कोई टेंशन नहीं, हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे। एक्स प्लस वाई होगा डबा जेड बाय डबा एक्स होगा प्लस होगा एक्स माइनस वाई होगा और कौन होगा भाई डबा जेड बाय डबा वाई होगा राइट। अब बता दो मुझे फ्रॉम वन एंड टू हम लोग सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते क्या, देखो फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू हमें क्या क्या पता पड़ रहा है, देखो अभी बहुत अच्छे से देखो, x प्लस वाई को एज इट इज लिखा। अब बता दो मुझे ये डबा जेड बाय डबा एक्स के आपके पास ऑलरेडी है मेरे पास, देखो तो ये यहाँ पे बढ़िया से बैठा हुआ है टू एक्स माइनस वाई इंटू डबा जेड बाय डबा कितना लिखा है u, ठीक है हम लोग नहीं डरते। उसके बाद x माइनस वाई के साथ साथ एक्स माइनस वाई के साथ ये कौन है डबा जेड बाय डबा वाई की टर्म है आपके पास, है भाई जितना है उतना पूरा तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस टू आएगा x प्लस वाई आएगा साथ में आएगा डबा जेड बाय डबा यू राइट, उसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ पे आएगा डबा जेड बाय डबा वी, वट एवर इट इज जैसा है वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं देखते क्या आता है, सिंप्लीफाई करने के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैं अच्छे बच्चों की तरह लिखने ही वाला हूँ, आप बस राइट हैंड साइड पे फोकस करना, तो मुझे दिखता है टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और डबा जेड बाय डबा यू की टर्म मुझे दिखी सबसे पहले वाले मेंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखो यहाँ दो टर्म्स है और दोनों टर्म के बाहर कौन है एक्स माइनस वाई, तो भाई को पहले अंदर लो तो ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होगा और डबा जेड बाय डबा यू होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट, तो पहले वाले एक्स माइनस वाई को अंदर लिया, इधर इस टर्म के लिए भी एक्स माइनस वाई अंदर जाना चाहिए था, तो ये होगा प्लस x माइनस वाई और यहाँ पे होगा डबा जेड बाय डबा वी। अब देखो कहीं खुशी मिल रही है, मुझे तो खुशी दिख रही है यहाँ पे, ये और ये ऑफिशियली बूम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आपको मिला एल एच एस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस वाई इंटू डबा जेड बाय डबा वी। अब बताओ मत मुझे, देखो आप खुद भी आपको क्या करना था, x माइनस वाई इंटू क्या लाना था डबा जेड बाय डबा वी, क्या लेके आए हो x माइनस वाई इंटू डबा जेड बाय डबा वी विच इज नथिंग बट आर एच एस ओनली। सो आप यहाँ पे इतनी खुशी से बोल सकते हो और यहाँ पे आपके मार्क्स भी लेके जा सकते हो, हेंस प्रूव्ड, राम राम, और सम जो है वो अपना पूरा का पूरा समाप्त हुआ। सो स्टार्ट टू एंड के आपको समझ में आया सर ने सम को किस तरीके से सॉल्व किया, अगर ये पहला सम आपको समझ में आया है तो लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकेंड सम। सेकेंड सम में भी देखो हम लोगों को कुछ इसी तरीके से कुछ दिया हुआ है, एनोलॉजी आपके सामने क्लियर है, कुछ भी हो शो दैट को पहले देखो ही मत,
अपना अपना काम खत्म करो। मैं बताता हूँ अभी वापस मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं शो दैट की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। मैंने उठाया यहाँ से जेड जो है वो फंक्शन ऑफ कौन है, यू और वी है। दादाजी मिले, मम्मी पापा मिले और अभी बच्चे भी मिल जाएंगे, एक्स और वाई। ये देखो यू जो है और वी जो है वो किससे बने हुए, एक्स और वाई से बने हुए। अब जैसे ये लोग आ गए, अब मैं किसी की ना सुनते हुए फटाफट डेबा जेड बाई क्या करूंगा, डेबा एक्स निकालूंगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, डेबा जेड डेबा एक्स डेबा जेड डेबा वाई, सॉरी डेबा जेड डेबा एक्स डेबा जेड डेबा एक्स लिखना था। फिर यहाँ पे मम्मी का नंबर है डेबा यू, यहाँ पे आएगी डेबा वी की टर्म, करेक्ट है। अब चलो फटाफट बता दो मुझे, डेबा जेड बाई डेबा यू को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, डेबा यू बाई डेबा एक्स, कैन यू प्लीज टेल मी। चलो एज यूजल आपको अच्छा लगे इसलिए मैं कुछ सम में आपको हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। देन देर इज डेबा जेड बाय डेबा वी का टर्म, डेबा वी बाय डेबा एक्स, भाई का डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ वी कौन है, वाई बाय एक्स का टर्म है, करेक्ट है। तो ये सब कुछ अभी आपके सामने, तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सो वंस आई सिंप्लीफाई दिस आई विल गेट व्हाट, चलो बता दो, डेबा जेड बाय डेबा यू ये सब हम लोग कर चुके पहले भी। लॉक का डेरिवेटिव पता है आपको, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एंड चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 2x रहेगा। भाई सब समझ में तो आ रहा है, प्लस यहाँ पे डेबा जेड बाय डेबा वी की टर्म आएगी 1 बाय, देखो 1 बाय एक्स की टर्म है तो पता है ना आपको 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ना वापस मुझे पता है, आप लोग इतने अच्छे हो ना, आप मुझे कुछ नहीं करने लगाओगे, आपको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव सर ने सिखाया है दैट इज 1 बाय एक्स, और आपके सर ने आपको 1 बाय एक्स के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी, करेक्ट। तो वही एनालॉजी यूज करी मैंने, अब जैसा भी जो भी कुछ भी दिखाई दे रहा है ना दोस्त, वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो मेरा टर्म आया, ये मेरा डेबा जेड बाय डेबा एक्स का मेरा आंसर है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ ये अगर मेरा आंसर है तो इसके बाद मैंने किसके लिए जाना चाहिए, दो मेंबर्स निकालने होते ना, तो दूसरा मेंबर कौन है भाई, डेबा जेड बाय डेबा वाई आएगा। चलो बताओ डेबा जेड डेबा वाई डेबा जेड डेबा वाई, चलो 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 चलो, यहाँ पे आएंगे मम्मी जी डेबा यू, यहाँ पे होंगे डेबा वी, तो इसकी जगह पे सब्सटीट्यूशन जब आएंगे डेबा जेड डेबा यू डेबा बाय डेबा वाई ऑफ, वापस मुझे काम कराने लगा रहे हो, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा अभी। ये देखो प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी होगा और यहाँ पे डेबा बाय डेबा वाई ऑफ अब होगा आपका, कौन था भाई, वाई बाय एक्स, डरते तो हम लोग है नहीं। चलो फटाफट बता दो अभी, डेबा जेड बाय डेबा यू हो गया, यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और साथ में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है ना, तो आएगा क्या, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई प्लस डेबा जेड बाय डेबा वी रहेगा। साथ में आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए वाई की टर्म ही ऊपर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाई का डेरिवेटिव वन लेगा और यहाँ पे आएगी वन बाय एक्स की टर्म। अब जैसा भी जो भी दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल, तो हम लोग इसको डेबा जेड बाय डेबा वाई लिख ही सकते हैं, और आपको पता है ये होने के बाद मुझे आदत है मैं इनको नेमिंग ज़रूर करूँगा। अब जैसे ये दो आ गए, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, अब मैं एल एच एस उठाऊंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा और देखता हूँ कि मेरा आर एच एस का आंसर कैसे आता है। सो बता दो अभी एल एच एस इज इक्वल टू, आप बताना, मैं लिखता हूँ एक्स डेबा जेड बाय डेबा वाई माइनस वाई डेबा जेड बाय डेबा एक्स। चलो 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 चलो, आई नीड योर हेल्प, एक्स एज इट इज डू वी हैव, सॉरी अब ना यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है भाई, ये कि फ्रॉम वन एंड टू हम लोग कर रहे हैं, मैं तो खुद का दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, फ्रॉम वन एंड टू मुझे कुछ चीज़ें पता पड़ रही है, दैट इज एक्स के साथ कौन होना चाहिए, डेबा जेड बाय डेबा वाई, डू वी हैव इट, येस वी डू हैव इट, देख लो यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और साथ में यहाँ पे डेबा जेड बाय डेबा कौन है यू प्लस वन अपॉन एक्स है और साथ में कौन है डेबा जेड बाय डेबा वी की टर्म है, लिख दिए, करेक्ट हो गया। अब जबकि यहां तक मैंने लिख दिया, उसके साथ साथ मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने अब माइनस साइन देना है, माइनस साइन देना है, वाई लिखना है और वहां पे उसके बाद कौन सी टर्म लिखनी है, डेबा जेड बाय डेबा एक्स, डू वी हैव इट, यस वी डू हैव इट, तो उसको भी उठा के पटकते यहाँ पे 2x अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे सॉरी डेबा जेड बाय डेबा यू की टर्म आएगी, करेक्ट है, और उसी के साथ साथ आएगी एक और टर्म, माइनस लिख देता हूँ अब जगह कम है यहाँ पे, तो वाई बाय एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में डेबा जेड बाय डेबा वी, कोई नहीं डरेगा, आप सबको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके सर, देखो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा डेबा जेड बाय डेबा यू प्लस एक्स एक्स कैंसिल होके सिर्फ आएगा डेबा जेड बाय डेबा वी, समझ तो रहे हो ना, दोनों टर्म को एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा
माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी महसूस होने लगी है। आपको हो रही है क्या? देख लो, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आया आपका डेबा जेड बाई डेबा वी। मेरे दोस्त खुशी देखो, खुशी ये टर्म और ये टर्म उड़ गए, कैंसिल हो गए, इधर पे भी कुछ कॉमन चीजें आ रही है। सो वन प्लस कितना बचा आपका? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा ना मेरे दोस्त, और साथ में आई टर्म डेबा जेड बाई डेबा वी। अब किसी को मत बताओ, वन प्लस हैव अ लुक एट इट, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये देखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज नथिंग बट वी स्क्वायर इट सेल्फ डेबा जेड बाई डेबा वी। और यहां पे लिख सकते हो एज वी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी वी इज इक्वल टू कितना है, वाई बाई एक्स विच हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू एस अस। अब बताओ कौन है ये? दिस इज नथिंग बट आर एच एस ही है। तो ये अगर आर एच एस है तो मुझे बताओ, एल एच एस से शुरू करने के बाद अगर आर एच एस आ रहा है तो इसके बाद खुशी खुशी लाइन तो बनती है, हेंस वॉट मेरे दोस्त, प्रूव्ड। खुश रहो भाई आप ना, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखना। पहले दो सम्स हम लोगों ने ख़त्म किए हुए, अब आप बोलोगे सर यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना और सम आप लो। तो मैं आपको बता दूं यार, आप ना जो ऐप पे मेरा कोर्स है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन का, उस कोर्स में आप जाइए देखिए, तो यू'ल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैंने बहुत सारे सम्स लिए। तो आपको पहले दो सम्स मैंने यूट्यूब पे सिखाए, और बचे हुए सारे सम्स अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है वो भी मेरे साथ, तो आप कोर्स ज़रूर खरीद सकते हो। बहुत कम दाम में कोर्स आपके लिए अवेलेबल किया हुआ है। साथ ही साथ जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते वो लोग, अगर दो सम्स आपको समझ में आए तो भाई लाइन से सारे इंपॉर्टेंट सम्स मैंने दिए हुए जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। होपफुली जितना जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो सब कुछ आपके पल्ले पड़ रहा है, आपको समझ में ज़रूर आ रहा है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पॉसिबल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका फीडबैक देना, क्या लगता है, कैसे लगता है, सब कुछ सिखाया हुआ आपके दिमाग में सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।